गाइज वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो मैंने इतना दिन से व्लॉग नहीं बना पाया है, मैं इसलिए आप लोग से सॉरी मांग लेती हूँ क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो चुका था। तो चलिए मैं फिर आज से आप लोग के लिए नया नया व्लॉग भी स्टार्ट करने वाला है। आज दो शाम का रेसिपी जाएगा, तो बच्चा लोग जिन लोग नहीं खाने के लिए मांगते हैं तो हम लोग ज़रूर उसको बना के उसको प्लीज़ दीजिएगा, तो उन लोग जरूर खा लेगा। तो आज बनेगा आपको दो रेसिपी में जाएगा, एक सोयाबीन चिली और एक तो जा रहा है सोयाबीन परोठा। तो चलिए बच्चा लोग का आप हेल्दी ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हो क्या, शाम का स्नैक्स भी बना सकते हो क्या बच्चा लोग का, स्कूल में अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो आप स्कूल के लिए भी टिफिन आप बना के दे सकते हो। चलिए कैसे बनता है और क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स लगता है आपको मैं दिखा रही हूँ। तो गाइस आप देख लीजिए, तो मेरा पहले बन रहा है क्या, तो जो हम लोग बोले थे सोयाबीन परोठा। तो सोयाबीन परोठा के लिए इधर मम्मी बारीक काटा हुआ कैप्सिकम ले लिया, बारीक काटा हुआ प्याज, टमाटर इधर है टमाटर, ये है आपका गार्लिक, और इधर रखा हुआ है मिर्ची, और सोयाबीन चिली के लिए लग रहा है इधर कटा के रखा है कैप्सिकम, और ऐसे काट के रखा है अनियन। तो चलिए, और इधर देखिए सोयाबीन को न्यूट्रिला जो सोयाबीन होता है उसको ऐसे बॉईल करके उसको अच्छा से उसको ऐसे चॉप्ड जैसा कर लिया हाथ से ऐसे ऐसे फाड़ के, और इधर कढ़ाई में तो कोई चाहे तो। तो इधर देखिए कढ़ाई में तेल डाल दिया है, और कोई चाहिए तो सोयाबीन को भी मिक्सी में हल्का एक से दो ऐसे चॉप जैसे काट लीजिएगा, मिक्सी में एक दो बाइट देने से हो जाएगा। तो इधर आपका चला गया है उसमें लहसुन तेल में, अब लहसुन हो रहा है फ्राई। उसके बाद बारीक काटा हुआ अनियन जा रहा है फ्राई होने के लिए। तो इधर देखिए अनियन और लहसुन अच्छा से फ्राई हो रहा है। इधर देखिए अनियन भी अच्छा सा हो गया, अब जो बारीक काटा हुआ शिमला मिर्च वो डाल दे रहा है, उसको भी फ्राई कर रहा है। अब जा रहा है शिमला मिर्च भी फ्राई हो गया, अब जा रहा है टमाटर, उसको भी कर रहा है फ्राई। अब देखिए ये भी अच्छा से फ्राई हो गया है, अब जा रहा है नमक, स्वाद अनुसार आप लोग नमक डालिएगा। नमक डाल के भी मिक्स्ड हो गया है, अब इसमें जा रहा है सोयाबीन जो पी ऐसे हाथ से फाड़ फाड़ के रखा था। अब जा रहा मिर्ची, जाके इसको कर दे रहा मिक्स। अब जा रहा है सोयाबीन सॉस, 1 टीस्पून दिया है सोया सॉस, टमाटर केचप लगभग 2 से 3 टीस्पून डाला है। देखिए उसको अच्छे से कर ले रहा है मिक्स। मिक्स तो अच्छे से कर रहा है, अब इसको अच्छे से मिक्स होने के लिए डाल दे रहा है, और दे रहा ब्लैक पेपर और पेपर क्योंकि बच्चा लोग जैसा झाल जो जैसा खाएगा वैसा दीजिएगा, हल्का सा ब्लैक पेपर डाल दी है। इसमें जा रहा है 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून इसमें चला गया चीनी, 1/2 टीस्पून से भी कम, जाके मिक्स हो रहा है।
ये आप लोग जरूर अपने बच्चे लोग के लिए ट्राई कीजिएगा, सोयाबीन परोठा। गाइस आप लोग देख सकते हैं जो सोयाबीन परोठा का पूर भी रेडी हो गया है। अब इसको ठंडा होने के लिए रख दिए हैं हम लोग। अब इसका हम लोग डो बनाएंगे मैदा का। तो चलिए हम लोग अभी आपको दिखा रहे हैं डो के अंदर हम लोग इसको कैसे डालेंगे। हम लोग इधर डो ले लिया है मैदा का। तो आप लोग जैसे पूरी बनाते हो, पूरी में जैसे देते हो तेल डाल के, नमक हल्का सा डाल के, ऐसे ही टाइट थोड़ा मिक्स करना है। तो इधर हम लोग मैदा लगा रहे हैं जब उसमें, और उसके ऊपर से ऐसे डो। तो इधर मैदा का वो ले लिया। अब इसको ऐसे बाटी जैसे बनाता है, कटोरी जैसे बनाना है। देखिए बड़ा सा कटोरी टाइप का बना लिया, देखा ना आधा छी तो यही तो ऐसा कटोरी बन गया है। अब इसके अंदर जो ये जो बना हुआ है सोयाबीन, अब इसको ऐसे डाल के ऐसे बंद करना है। इधर देखिए एक बॉल जैसा बन गया है, उसमें हल्का सा मैदा डाला है। ये रेसिपी आप लोग जरूर घर में ट्राई कीजिएगा, और बच्चा लोग को भी नहीं खाने के लिए मांगेगा तो आप लोग जरूर बच्चे को भी बना के भी दे सकते। यहाँ हम लोग सोयाबीन यूज़ किए हैं, कोई चाहे तो चिकन कीमा भी यूज़ कर सकते हैं, कोई चाहे तो मटन कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। जिन लोग भेज हैं उन लोग के लिए हम लोग सोयाबीन वाला दिखा दिए हैं। अब ऐसे करके उसको ताव में डाल के अब इसको ऐसे सेकना पड़ेगा, अब तेल डालना भी पड़ेगा। देखिए इधर मेरा दो सोयाबीन परोठा रेडी हो गया है। अब इसको हमको तेल में फ्राई करना पड़ेगा। देखिए अब इधर देखिए तेल डाल के उसको कर रहे फ्राई अच्छा से। देखिए उसको कैसे फ्राई हो रहा है। आप लोग इधर देख सकते हैं परोठा भी फ्राई हो गया तेल में। चलिए अब इसको निकालना है हमको तवे से। तो इधर देख सकते हैं हम लोग अब उसको निकाल दिया गया तेल। तो परोठा भी रेडी हो गया है, इधर सोयाबीन चिली भी रेडी हो गया है। तो आप मैं देखो ऐसा रोटी जैसा बना के मिडिल से कट के ये ऐसा मिडिल में पूट डाल के फिर उसको देखिए ऐसा फोल्ड हो गया है, फिर उसको ऐसा डाल देना है। ये दूसरा शेप हो गया परोठा का। तो इधर भी बन गया है, इधर भी हो गया है। तो चलिए सर्व करते हैं। तो चलिए अभी मैं दिखाने जा रहे हैं सोयाबीन चिली कैसे बनाना है। इसमें सोयाबीन को हम लोग बॉईल करके ऐसे फाड़ लिया था, आप मिक्सी में भी कर सकते हो। उसमें अभी जा रहा है अदरक लहसुन पेस्ट। दो चम्मच टू टीस्पून अदरक, टू टीस्पून लहसुन। अब इसमें एक ठो जा रहा है अंडा। अब इसमें अब जा रहा है ब्लैक पेपर। देखिए ब्लैक पेपर चला गया, चला गया नमक। स्वाद अनुसार नमक दीजिएगा। अब इसमें चला गया है कॉर्नफ्लावर। अब कॉर्नफ्लावर लगा के उसको अच्छा से कर रहे हैं मिक्स्ड, अच्छा से हो रहा है मिक्स्ड इसको। तो मैंने इधर कढ़ाई बैठा दिया, कढ़ाई में तेल डाल दिया पकौड़ा बनाने के लिए। इधर तेल को मैं हीट होने के लिए दे रहा है।
तो देखिए इधर हम लोग पकौड़ा को ऐसे बॉल बॉल जैसे बना के उसको छोड़ रही हूँ तेल में डीप फ्राई होने के लिए। चलिए डीप फ्राई होता है तो आपको मैं फिर दोबारा दिखाती हूँ। चलिए अब देखिए पकौड़ा भी रेडी हो गया है, अब उसको तेल से निकाल देना है बाहर। तो इधर देखिए अभी फ्राई भी हो गया है, अभी उधर पकौड़ा भी निकाल लिया गया है। चलिए इधर तेल जो हीट हो गया था वो ये पकौड़ा वाला तेल में डाल दे रहे हैं अनियन। उसको कर रहा है फ्राई, इसमें जा रहा है शिमला मिर्च और लहसुन। इधर देखिए जो शिमला मिर्च और लहसुन चला जा रहा है, उसको भी फ्राई हो रहा है तो अच्छा से फ्राई कर ले रहे हैं। अब इसमें हरा मिर्च भी डाल दिया है, डाल के उसको देखिए ऑलमोस्ट फ्राई होके आ गया है, और भी थोड़ा फ्राई करना है हल्का सा। अब इसमें जा रहा है चिली सॉस, अब जा रहा है सोयाबीन सॉस, अब जा रहा है टमाटर केचप, जा रहा है सोया सॉस। अब इसको कर रहे हैं अच्छे से मिक्स। अब उसमें जो सोयाबीन पकौड़ा बना हुआ था वो भी डाल दे रहे हैं, गार्लिक उसको भी कर रहे हैं अच्छे से मिक्स। मिक्स इट वेल, अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा आप लोग। ये जा रहा है थोड़ा सा पानी डाल के भी उसको मिक्स कर लिया गया है। ये बन गया सोयाबीन चिली रेडी, सोयाबीन चिली बन गया है। अब इसको ढक्कन लगा देगा, सोयाबीन बड़ी के अंदर पानी चला जाएगा। तो इधर भी रेडी हो गया सोयाबीन चिली, तो इसको थोड़ा गाढ़ा पानी लाने के लिए कॉर्नफ्लावर में थोड़ा पानी उसको दोनों एक साथ आपको मिक्स करना पड़ेगा, वो भी एक हाथ से डालना पड़ेगा, और तो इसमें थोड़ा गाढ़ा पानी आ जाएगा। देखिए अब सोयाबीन चिली इज फुल्ली रेडी। तो गाइज इधर अभी सोयाबीन चिली और सोयाबीन परोड़ा भी रेडी हो गया, आप लोग देख सकते हो। तो इधर हम लोग सोयाबीन को हाथ से काट लिए थे बॉईल करने में, तो आप लोग एक बार मिक्स में पेस्ट कर लीजिएगा अच्छा से, हल्का सा बारीक बारीक जैसा हो जाए। तो चलिए ये वीडियो आप लोग का कैसा लगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपने घर में भी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा अपने बच्चों लोग के साथ, जिन लोग खाने के लिए नहीं बनता है, ये पूरा हेल्दी है। तो और आप लोग प्लीज़ टेस्ट करके हमको कमेंट कीजिएगा आप लोग को भी कैसा लगा मेरा रेसिपी। तो चलिए बाय बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो।